हेलो फ्रेंड्स, आई एम पर्वत और आज मैं लेके आई हूँ आपका एक डाउट कि अन अकेडमी का जो डेमो है वो रिजेक्ट क्यों होता है। जो इससे प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप अन अकेडमी का डेमो दे कैसे, उसके अंदर मैंने आपको प्रॉपरली अपने जो जैसे मैंने अन अकेडमी का डेमो दिया था प्रॉपरली आपको वही नोट्स मैंने आपको दिखाए थे कि मैंने कैसे नोट्स बनाए थे और कैसे अपना जो डेमो था वो कैसे दिया था। ठीक है, पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि 3 मिनट के अंदर आपने अपना डेमो देना होता है। उसके अंदर आप 3 स्लाइड्स मेनली इंक्लूड कर सकते हो, आप PPT बना सकते हो, आप PDF भी ले सकते हो, आप अपनी फोटोज भी डाल सकते हो। जो आपने लिखा हुआ उसको कैम स्कैनर से क्या करें, स्कैन करें, उसके बाद में उसका एज ए PDF भी आप बना के अन अकेडमी पे वीडियो बना सकते हो, या फिर आप उसकी अलग अलग फोटोज लेके भी अन अकेडमी पे वीडियो बना सकते हो। ठीक है, तो केसेस क्या होते हैं कि आपका जो अन अकेडमी का डेमो जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। पहली बात तो ये कि जब वो अन अकेडमी वाले डेमो को रिजेक्ट करते हैं तो वहाँ पे बकायदा वो लिख के देते हैं कि आपका डेमो क्यों रिजेक्ट हुआ है। लिख के देते हैं वो कि नॉइज़ के कारण हुआ है, ओरिएंटेशन के कारण हुआ है, आपका डाटा जो है वो क्लियर नहीं है, आपकी वॉइस जो है वो क्लियर नहीं है। तो ऐसे काफ़ी सारे जो हैं वो आपको कारण वो लिख के देते हैं कि किस वजह से जो आपका डेमो है रिजेक्ट हुआ था। तो फर्स्ट का केस होता है, दैट इज़ वीडियो की क्वालिटी। वीडियो की क्वालिटी में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, ऐसे फ़ोन को रखा और फोटो क्लिक कर ली, ये ओरिएंटेशन रखी ऐसे वर्टिकली एंड देन फोटो क्लिक कर ली और उसको हम डालेंगे अन अकेडमी पे, तो सीधा सीधा आपका खत्म हो जाएगा वहीं पे काम। देखो अन अकेडमी क्या करती है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखती है। सबसे पहले वो देखेगी कि आपने जो फोटोज इंक्लूड की हैं उनकी ओरिएंटेशन लैंडस्केप में है या नहीं, 16:9 में है या नहीं। अगर नहीं हुई आप पहले स्टेप में निकल गए, पहले स्टेप में ही आप निकल गए। जब आपकी रेशो 16:9 की होती है उसके बाद में आपका चेक किया जाता है ऑडियो, आपकी ऑडियो सही है या नहीं। आपने क्या करना है, 16:9 बनाने के लिए अपने फ़ोन को ऐसे खड़ा ना रख के ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके अपनी जो फोटोज़ है वो लेनी है। ऐसे नहीं है कि आप ऐसे खड़ा करके फ़ोन ले रहे हो, दिस इज़ रॉन्ग, ये आपको दिखाई हुई ऐसे रॉन्ग है, ऐसे राइट है, ऐसे लेना है पिक जब लोगे ऐसे लेना है। ठीक है, तो दूसरी बात हमारे पास है 16:9। कई बार तो जो कैमराज या कई स्कैनर्स जो होते हैं, कैम स्कैनर के अलावा या कोई भी और स्कैनर्स होते हैं, वहाँ पे लैंडस्केप मोड दिया हुआ 16:9 की भी दी होती है, आप सेटिंग्स में जाके चेक करना। अगर नहीं भी मिलते तो मैं आपको बताती हूँ कि ये चीज़ आपने नहीं रखनी, फ़ोन को ऐसे रख के आपने क्या करना है, नीचे से स्कैन नहीं करना ऐसे, ठीक है, ऐसे रख के ये चीज़ आपकी और आप ऐसे स्कैन करो, नो ऐसे स्कैन करना है, ओके ऐसे फ़ोन रखे, ये मार्कर आपका फ़ोन है और ये आपकी स्लाइड है, तो ऐसे स्कैन नहीं करोगे, ऐसे स्कैन करोगे। ओके, फर्स्ट डाउट क्लियर। सेकंड है, टू मच कंटेंट इन वन स्लाइड। आप क्या कर रहे हो, एक स्लाइड के अंदर छोटा 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 करके बहुत सारा कुछ लिख दिया आपने एक ही स्लाइड में। नहीं, एक स्लाइड में या तो मान लो जैसे मैंने आपको रैशनल नंबर्स दिखाए थे, तो आप क्या करो एक स्लाइड में यही रखो कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, फर्स्ट स्लाइड में इतना ही रखो कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, यानी कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो P/Q फॉर्म के अंदर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जिनको P/Q फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, ये चीज क्लियर हुई। अब यहाँ पे एक चीज और भी बोल सकते हैं कि Q≠0 होता है, आप एक स्लाइड में बस इतना ही रखो, उसके बाद में आप अलग अलग नंबर्स बताओ और उन अलग अलग नंबर्स का क्या करो, एक टेबल बना लो, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि जो सारे होल नंबर्स होते हैं क्या वो रैशनल नंबर होते हैं, सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं, सारे नेचुरल नंबर्स रैशनल नंबर होते हैं, तो वैसे एक बॉक्स बना लो। आपको गूगल पे सर्च करोगे तो काफ़ी सारी तरह के जो बॉक्सेस हैं या कैसी तरह से आप उनकी ओरिएंटेशन कर सकते हो, NCERT की बुक आप देखोगे तो हर एक बुक के अलग अलग बुक्स के अंदर असाइनमेंट्स जो होती हैं उनमें अलग अलग आपको दिया होता है टेबल, तो सेकेंड पर आप यही रखिए, ठीक है। थर्ड पेज पे आप जाइए और थर्ड पेज पे अगर आपका टाइम बचता है, वैसे तो 3 मिनट में इतना ही एक्सप्लेन होगा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं या नहीं, अगर सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है तो क्या सारे रैशनल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं या नहीं, तो ये चीज़ें ही बड़ी मुश्किल से एक्सप्लेन हो पाती हैं। तो आपने सिर्फ क्या करना है, एक तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन फर्स्ट लाइन में इंक्लूड कर लो, सेकंड में उसका टेबल इंक्लूड कर लो, दो यानी कि वो बॉक्सेस यानी कि जो आपने फ्लो डायग्राम ब्लॉक डायग्राम बनाया वो इंक्लूड कर लो, वो दो ही आप 3 मिनट में बड़ी मुश्किल से एक्सप्लेन कर सकोगे। डाटा ज्यादा मत रखो, स्लाइड्स ज्यादा मत रखो, उसको एक्सप्लेन करने का जो आपका मेथड है उसको बढ़ाओ, अलग अलग तरह से आप उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो वो चीज रखो, ठीक है।
तो टू मच डाटा इन्हें कंटेंट इन्हें वन स्लाइड आपने नहीं लेना है, आपने आराम से खुला खुला एक स्लाइड, अगर आपकी ऐसी स्लाइड है तो उसके अंदर आराम से ऐसे मान लो 2 या 3 लाइंस ज्यादा से ज्यादा लो कि अगले को भी आसानी से विजिबल हो सके, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है ऑडियो की। ऑडियो के अंदर क्या होता है, या तो वो आपको बोल देते हैं कि आपके पीछे बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही है, इस वजह से क्या कर देते हैं, वो जो आपका डेमो है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, नॉइस के कारण भी रख दिया जाता है। और दूसरी आपकी चौथी चीज़ है, दैट इज़ मॉड्यूलेशन, ये भी आपका ऑडियो के अंदर ही आता है। तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि मॉड्यूलेशन लेके आना है, अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव लेके आना है, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो वर्ड इंपॉर्टेंट है उसको दबाव दे के बोलना है, जो नहीं इंपॉर्टेंट है उसको धीरे से बोलना। सो जैसे रैशनल नंबर की बात करते हैं, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रैशनल नंबर्स, तो उनको पता लगेगा कि रैशनल नंबर आपने पढ़ाना है। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर रिप्रेजेंटेड इन पी बाय क्यू फॉर्म, तो आपको पता लगेगा कि वो नंबर जो पी बाय क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, एंड वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, और जहां पे क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये चीज भी लोगों को पता लगनी चाहिए। ओके तो उतार चढ़ाव लेके आओ, अपनी वॉइस के अंदर मॉड्यूलेशन लेके आओ, वही चीज है, जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनको दबाव देके बोलो, जो चीजें नहीं इंपॉर्टेंट उनको नॉर्मल अपनी जो ट्यूनिंग है उसके अंदर बोलो। तो ये चार चीजें थी जिनके कारण आपका जो डेमो है वो रिजेक्ट होता है अनअकैडमी के ऊपर। आप इन चार चीजों को संभाल लीजिए। पहला जो मोबाइल की ओरिएंटेशन है, ये आपकी स्लाइड है, तो ऐसे पिक नहीं करनी, ऐसे करनी है। सेकंड वन, एक स्लाइड के अंदर बहुत ज्यादा डाटा आपने नहीं लेना, बहुत कम डाटा लेना, आप स्लाइड कम इंक्लूड कर सकते हो, कम चीज एक्सप्लेन कर दो पर इफेक्टिवली करो। क्वांटिटी नहीं रखनी है, क्वालिटी रखनी है आपने। ओके नेक्स्ट, ऑडियो क्वालिटी की बात मैंने आपको बता दी। ऐसे रूम में जाओ जहां पे कोई भी आवाज ना आ रही हो, ऐसे रूम में जाओ, ठीक है। अगर पीछे से शोर आएगा तो आपका जो डेमो है वो सिलेक्ट नहीं होगा। उसके बाद में बात आती है मॉड्यूलेशन की, तो मॉड्यूलेशन आपको करना पड़ेगा। जितना आप मॉड्यूलेशन करके अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके दोगे, उतना ही जो आपके डेमो के सिलेक्ट होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो मेन ये चार प्रॉब्लम्स जो हैं वो आती हैं यूजर्स को, एजुकेटर्स जो अनअकैडमी के ऊपर अपना डेमो देते हैं। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को ध्यान में दीजिए और उसके बाद में अपना डेमो प्रिपेयर कीजिए, 100% आपका सिलेक्शन होगा। मेरा फर्स्ट टाइम में ही हो गया था, मैंने पहले इधर उधर से देख के सारे जो क्यों रिजेक्ट होता है, क्यों नहीं होता है, सारी चीज़ें निकाल निकाल के मैंने देखी थी। तो उसके बाद में मैंने अपने ऊपर ये चीज़ें इंप्लीमेंट की थी, और अपने ऊपर ये इंप्लीमेंट करने के बाद में फर्स्ट टाइम में मैंने अपना डेमो क्लियर किया था। ओके तो आपने भी ये चीज़ ध्यान में रखनी है, फिर अपना डेमो बनाना है। ओके क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है, तो क्वालिटी बढ़ाइए अपने वीडियो की। ओके सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे केवाईसी के प्रोसेस के ऊपर कि अगर आपका डेमो क्लियर हो जाता है तो उसके बाद में क्या करना होता है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही टॉपिक्स के साथ जो आपको हेल्प करेंगे एजुकेशन में अपना करियर बनाने के लिए, टीचिंग में अपना करियर बनाने के लिए, अपने जो पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर करने के लिए। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और मिलते हैं नए कंसेप्ट केवाईसी के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।